My dear KKR friends, every day is not Sunday and every day is not a good day. और स्पेशली जब आपका मिडिल ऑर्डर ऐसा थका हुआ जिसमें इयन मॉर्गन पता नहीं कितने मैचेस या महीनों से आउट ऑफ फॉर्म हो, आउट ऑफ फॉर्म भी ऐसा कि मतलब गोली आउट ऑफ फॉर्म होके भी 50 रन मार लेते हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म होके डबल फिगर्स में मुश्किल से पहुंच रहे हैं, मुश्किल से, बल्कि पहुंच भी नहीं रहे हैं लिटरली। फिर शाकिब उल हसन कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, नारायण एक आधा किया, त्रिपाठी की इंजरी हो गई, मसाइल मसाइल थे। सिर्फ ओपनिंग थी जो कि कोलकाता की अच्छी थी एज कम्पेयर टू चेन्नई सुपर किंग्स, और बॉलिंग में चले 50-50 कर लेते, बट मिडिल ऑर्डर इज द मेन की टू सक्सेस इन T20 क्रिकेट। अगर आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। यही आज प्रूव हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना एक और IPL टाइटल जीत लिया और कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पहली बार IPL के फाइनल में आके हार गए। इससे साबित होता है कि एक्सपीरियंस प्रिवेल्स। महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, व्हाट अ कैप्टन ही इज। रविंद्र जडेजा को रन पाए, राइट टाइम पे लाए, विकेट्स ले गए थी, दैट्स द क्लास दैट जडेजा होल्ड्स। और एक प्रेडिक्शन में देख रहा था उसमें था कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जीतेगा और टीम का न्यूजीलैंड का कोच होगा, वो टीम जीतेगी। तो एक्चुअली दोनों टीम्स के अंदर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था और न्यूजीलैंड का कोच भी दोनों टीम्स के पास था, तो वसीम जाफर साहब की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक होती है, इसके लिए सारे तालियां बजाएंगे। कमिंग टू द टॉपिक ऑन अ सीरियस नोट, बिल्कुल वन साइड मैच हुआ। पहली इनिंग के बाद भी लोग कह रहे थे बड़ा मजा आएगा, मैंने कहा नहीं हो सकता, फाइनल मैच में आप 160 प्लस मुश्किल से चेस करते हैं, मुश्किल से 170 प्लस निकाले, स्पेशली जो कंडीशन दुबई की होती है। फैफ डु प्लेसी प्लेड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉक टुडे, ही प्लेड रियली गुड। मेन ईयर पिच बहुत पूरी थी, अच्छी पिच थी, 175-185 वाली पिच थी, इतने स्कोर काफ़ी थे टू विन द मैच, बट यहाँ पर 192 कर दिए चेन्नई ने सिर्फ 3 विकेट्स लूज किए। फिर जब फाइनल होता तो प्रेशर डबल होता चेस का, वही हमें नजर आया, प्रेशर डबल था चेस का और यहाँ पर आपने देखा क्या रिजल्ट है। अब बात करते हैं जी महेंद्र सिंह धोनी यानी MS धोनी, अगर ये उनका आखिरी IPL भी था तो ही आज फिनिश्ड ऑन हायर नोट एज अ प्लेयर। मेंटोर दो चेन्नई के रहेंगे दैट इज फॉर श्योर, बट अगर उनका एज अ प्लेयर ये आखिरी IPL था यार, क्या फिनिश है, मतलब वर्ल्ड कप में कमाल, मतलब T20 वर्ल्ड कप में कमाल, मतलब अब फिर से महेंद्र सिंह धोनी आज वन एन IPL ट्रॉफी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। बात करेंगे रमीज स्पीक्स, रमीज राजा सर क्या कहते हैं MS धोनी के बारे में। जब MS धोनी रिटायरमेंट ली थी तो उन्होंने कहा MS धोनी इज एन आइकन फॉर अदर प्लेयर्स, इज एन आई कैन टू रिमेंबर फॉर प्लेयर्स, ये कहना था PCB के चेयरमैन रमीज राजा का। और जहां तक बात रहेगी IPL फाइनल पर रमीज राजा, रमीज स्पीक्स पे कुछ तो, रमीज स्पीक्स पे तो एक्टिव नहीं है, बट ओवरऑल उनको इनवाइट किया गया था जैसे कि आपको पता फाइनल के लिए वो नहीं गए, उसके लिए कोई वजूहत थी जरूर जिसकी वजह से वो नहीं गए, अदरवाइज उन्होंने जाना था IPL 2021 का फाइनल देखने। सौरभ गांगुली ने उनको इन्वाइट भी किया था, डोंट नो क्या सर वजूहत है, बट या कुछ वजह है जिसकी वजह से वो नहीं गए। बहरहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उसका इसके ऊपर नहीं आया IPL 2021 के फाइनल के ऊपर, लेट्स सी अगर आगे आता है या नहीं आता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन आप लोग प्रेस करें। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर हम लोग वेंटकेश अय्यर और साथ नहीं में फैफ डु प्लेसी में। फैफ डु प्लेसी ने जैसे गैप्स के अंदर शॉट्स मारे, जैसे स्ट्रोक्स मारे ना, प्योर क्लास थी, मतलब यू नो फैंटास्टिक बैटिंग फ्रॉम फैफ डु प्लेसी। उसके साथ ही उन्होंने अपना टाइम लिया, पिच को यूटिलाइज किया, उसके बाद रन बनाए, इजीली उनको रन मिले। वेंकटेश अय्यर मतलब 50/50 करी जा रहा है, जैसे मतलब 50 ऐसे ऐसे करके 50 करके चले जाते हैं, मसला यही है 50 करके चले जाते हैं, 50 कर रहे हैं रियली गुड इस एज में, रेगुलर 50 विद कंसिस्टेंसी दैट इज फैंटास्टिक। बट अगर आपको 50 मिल रही है यू नीड टू गो बैक, यू नीड टू गेट अ 60, यू नीड टू गेट अ 70, यू नीड टू गेट अ 80, मतलब अगर आप पे बैट पे बॉल आ रही है आपको एक बड़ा स्कोर करना चाहिए जो कि लैक कर रहे हैं वेंकटेश अय्यर। बट कांग्रेचुलेशंस टू चेन्नई सुपर किंग्स फॉर अनदर IPL टाइटल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करें। टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू।